देश में अभी हड़कंप मचा हुआ है, जैसा कि आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और कई स्टेट, कई डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और सरकार ऐसा क्यों करती है, और इंटरनेट बैन करने में सरकार को क्या मिलती है बेनिफिट, और इंटरनेट बैन करने के लिए कौन कौन सा जो है प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, हम आगे आपको बताएंगे डिटेल से और कहाँ कहाँ इंटरनेट बैंड है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बगल में है बेल वाले घंटे, जैसे आप दबा दिएगा तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और गाइस हम फाइनली बात कर लेते हैं कि सरकार जो है इंटरनेट बैंड क्यों करती है। तो सरकार के पास एक एक्ट है जो कि इंडियन टेलीग्राफ 1885 के अनुसार वो इंटरनेट बैन कर सकती है। और अगर उनको लगता है कि अगर ये इंटरनेट हम बैन ना करें तो यहाँ से जो वायलेंस वो एक जगह से दूसरे जगह फैल जाएगी और ये ज्यादा ही फैल जाएगी, इसलिए उनको लगता है तो वो बैन कर देती है। जहां तक इस पे हम कुछ टिप्पणी नहीं करने वाले हैं कि इंटरनेट वो बैन क्यों करती है और ऐसा वायलेंस क्यों हो रहा है इंडिया में। और फाइनली गाइस इस टॉपिक पे हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं कि अभी जो इंडिया में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और सरकार की मंशा क्या है वो सरकार जाने, इस पे हम ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करने वाले हैं। अब रही बात कि सरकार बैन क्यों करती है, तो उनके पास एक लॉ है जो कि इंडियन टेलीग्राफ 1885 के अनुसार वो बैन कर देती है। और फाइनली गाइस एक और हम फैक्ट बता दूं, जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्री है वर्ल्ड में सबसे लंबा टाइम इंडिया में ही इंटरनेट बैन रहा, जो कि कश्मीर में रहा है 136 डेज। अभी तक वहां जो है इंटरनेट बैन है और वहां जो है इंटरनेट संचालित नहीं कराई गई है अभी तक सरकार के द्वारा। तो ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। और आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट ना हो एक दिन दो दिन तो आप कैसा फील करते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 135 डेज, जो कि 136 डेज होने वाला है, अभी तक जो है वहां इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो आप इसे महसूस कर सकते हो वहां की जनता कैसे वहां रहते हैं। और जहां तक हम बात कर लेते हैं, वहां जो फॉर्म होता है फिलअप, वो एक कैंप लगाई जाती है, उस कैंप में जाते हैं स्टूडेंट और वहां पे वो अपना वो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते हैं। और अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि 1 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट वहां पे फॉर्म को फिलअप कर चुका है। आप सोच सकते हैं नॉर्मल आदमी के लिए वहां पे इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कराई गई है अभी तक। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करें तो वहां पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता है। जैसे कि आज से 20 साल पहले आपके पास ना ही कोई मोबाइल था, ना ही कुछ ऑनलाइन पढ़ने का था साधन, वैसा ही दिन वहां अभी आ चुका है। आप समझ सकते हैं कि वहां का आदमी कैसे सरवाइव करते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं वहां के यूट्यूबर का, क्योंकि हम भी एक यूट्यूबर है और वहां का जो यूट्यूबर का जो है करियर वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वहां पे 136 डेज से इंटरनेट नहीं है तो वो लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ना ही बना पा रहे हैं। तो उनका जो है करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं वहां का आदमी का क्या हाल है। और फाइनली गाइस आपको हम बता दूं, सरकार जो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अनुसार किसी भी मोबाइल को ट्रेस कर सकता है, ट्रैप कर सकता है और वहां का जो है डोमेन नेम को फिल्टरिंग कर सकता है, इंटरनेट के डोमेन नेम को फिल्टरिंग कर सकता है और इंटरनेट बैन कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो इंटरनेट बैंड होता है तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस वहां पे काम आता है। तो पहले जो करता है वो डीएनएस फिल्टरिंग, डोमेन नेम सिस्टम को वो फिल्टरिंग कर लेता है, और फिल्टरिंग करने के बाद जितने भी चुनिंदा साइट है उनको वहां से वो बैन कर देते हैं, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद जितने भी साइट है, जो भी आपको जो प्ले स्टोर पे मिलते हैं एप्स, वो सभी एप्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिस एप से आप जो है किसी भी प्रकार का जो है आप वीडियो या फिर इंफॉर्मेशन को आप यहां से वहां शेयर ना कर पाए, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी को आईपी, ये सभी जितने भी हैं सबके आईपी एड्रेस को वो ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक कहां से करते हैं, जहां से इंटरनेट होते हैं प्रोवाइड। अब हम बात कर लेते हैं जब इंटरनेट बैंड हो जाता है, बैंड करने में कौन सा प्रोसेस हुआ, तो वो प्रोसेस तो हम आप समझ गए। अब ये प्रोसेस करता कौन है, ये प्रोसेस जो सरकार करवाता है करता कौन है, नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर जो है जितने भी होते हैं वहां पे प्रोवाइडर जो प्रोवाइड करते हैं उसको इन्फॉर्म करते हैं, और वो इन्फॉर्म करते हैं इंजीनियर को, वो सभी वहां से उसे बैन कर देते हैं और आईपी एड्रेस को वहां से लॉक कर देते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर, जो कि 136 डे से वहां इंटरनेट बैंड है, तो वहां पे टोटल ब्लैक आउट, वहां पे कोई भी वायरलेस लैंडलाइन टीवी केबल वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे पूरी तरह से बैंड है, जिसे आप समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई फॉर्म भरना है तो हम इसके लिए आपको बता चुके हैं कि वहां एक कैंप लगता है, उसमें आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और जहां तक बात है, अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई पत्रकार वहां जाता है तो उसके लिए अलग से जो है इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि उनके लिए एक अलग फैसिलिटी होता है, और मिलिट्री के लिए भी अलग से वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है, बट आम जनता के लिए वहां पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हम बात कर लेते हैं कश्मीर के अलावा कहाँ कहाँ पे इंटरनेट बैंड है, तो आप समझ सकते हैं आसाम हो गया आपका, और आपका जो है वेस्ट बंगाल के कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट, वहां भी इंटरनेट बैंड है, जो कि कुछ दिनों से वहां पे बैंड पड़ा हुआ, पिछले 5-6 दिनों से। तो ये अभी जो है ये इंडिया का हाल है, और वहां पे जो है इंटरनेट बैंड है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। आई होप गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।